मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अक्सर आपने हमने कई बार कई मौकों पर सुना है कि ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए वरना कई तरह के गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ नमक ही क्यों, बल्कि ऐसे और भी कई फूड हैं जिन्हें धीमा जहर कहा जाता है। इन चीजों का ज्यादा सेवन करना कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे फूड हैं जिन्हें हम हर दिन किसी ना किसी बहाने अपनी डाइट में शामिल जरूर करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शक्कर की। शक्कर का ज्यादा इस्तेमाल करने से लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, साथ ही मोटापा, थकान, माइग्रेन, अस्थमा और रिंकल की समस्या बढ़ सकती है। बात करेंगे मैदा की। मैदा में फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। मैदा वाली चीज़ों से इनडाइजेशन होता है। इसमें मौजूद ब्लीचिंग एजेंट्स हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। बात करेंगे अब कोल्ड ड्रिंक्स की। कोल्ड ड्रिंक में भरपूर मात्रा में शक्कर और फास्फोरिक एसिड होता है जो कि हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाता है, साथ ही साथ याददाश्त कमज़ोर कर देता है। बात करेंगे फास्ट फूड की, जिसका चलन आजकल बेहद ज़्यादा बढ़ गया है। पर क्या आप जानते हैं कि फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है? इससे मोटापा तेजी से बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम, अल्जाइमर की संभावना भी बढ़ जाती है। बात करते हैं अब अंकुरित आलू की। अक्सर हम अपने खाने में अंकुरित आलू का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सोच कर कि जिस तरह दूसरी अंकुरित चीज़ें फायदेमंद होती हैं उसी तरह आलू भी होंगे, पर ऐसा नहीं है। अंकुरित आलू में ग्लाइको अल्केलॉइड्स होते हैं जिससे डायरिया, सिर दर्द और माइग्रेन के चांस बढ़ जाते हैं। बात करेंगे अब कच्चे मशरूम की। कच्चे मशरूम में कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इससे कैंसर की संभावना बढ़ती है। इसीलिए मशरूम का सेवन कभी भी कच्चा नहीं करना चाहिए, हमेशा उबाल कर पका कर ही इसका सेवन करें। तो ये थे वो फूड जो जाने अनजाने में हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं और दे बैठते हैं दावत कई गंभीर बीमारियों को। उम्मीद करते हैं किसी भी चीज़ को खाने से पहले अब से आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखेंगे कि ये चीज़, यानी कि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या फिर नहीं। इसी खास जानकारी के साथ ही बोल्ड स्काई में अभी के लिए बस इतना ही।